एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि डीटी और एनडीटी के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस होते हैं। अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। जैसे कि आपको पूछ सकते हैं डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ होते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इनके कुछ मेजर डिफरेंसेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो चलिए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जो पहला डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये एक मेजर डिफरेंस है। जैसे कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को एक टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर परफॉर्म करके उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को फाइंड किया जाता है अंडर डिफरेंट लोड्स, यानी कि एक टेस्ट स्पेसिमेन को वेरियस लोड्स के अंडर में सब्जेक्ट करके उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है, और टेस्ट स्पेसिमेन के प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही जो है उसको यूज़ किया जाता है। और अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग की बात करेंगे तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को एक टेस्ट स्पेसिमेन के ऊपर परफॉर्म करके उसके अंदर के वेरियस प्रॉपर्टीज़ और उसके अंदर के वेरियस फ्लॉ या फिर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे, जो टेस्ट स्पेसिमेन यूज़ किया जाता है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई स्पेसिमेन बिहेवियर, यानी कि एक टेस्ट स्पेसिमेन के वेरियस प्रॉपर्टीज़ उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रहे हैं, यहाँ पे दोनों इमेजेस में जो है मटेरियल को डिस्ट्रॉय करके जो है इसको टेस्ट किया गया है। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड वाला इमेज है वो है डक्टाइल फ्रैक्चर, और राइट साइड वाला जो इमेज है वो है ब्रिटल फ्रैक्चर। और एनडीटी में जो टेस्ट स्पेसिमेन टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है उसको विदाउट डिस्ट्रॉइंग जो है हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, यानी कि वेरियस एनडीटी मेथड्स को यूज़ करके उसके अंदर के फ्लॉ या फिर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट। नेक्स्ट डिफरेंस है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए यानी कि कैरिड आउट करने के लिए वेरियस मेथड्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेंड टेस्ट है, टेंजाइल टेस्ट है, कॉम्प्रेशन टेस्ट है, इम्पैक्ट टेस्ट है, सो ऑन। यहाँ पर आप एक लेफ्ट साइड में इमेज देख सकते हैं, ये एक इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का इमेज है। यहाँ पर जो है मटेरियल को डिस्ट्रॉय किया जाता है और उसके वेरियस प्रॉपर्टीज़ और उसके बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को जो परफॉर्म करने के लिए मोस्ट कॉमन मेथड्स होते हैं उसको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और एनडीटी को परफॉर्म करने के लिए भी जो है वेरियस मेथड्स या फिर टेक्निक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अल्ट्रासोनिक टेस्ट है, रेडियोग्राफी टेस्ट है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट या फिर इसको LPI भी बोला जाता है, एडी करंट टेस्ट है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं एनडीटी के जिसको यूज़ करके एक मटेरियल के अंदर के वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफेक्ट्स या फिर फ्लॉस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है थोड़ा सा कॉस्टली मेथड है एज़ कम्पेयर टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि इसके जो मशीनरी होते हैं थोड़े से हैवी होते हैं और ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट्स होते हैं थोड़े से लेस कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। नेक्स्ट डिफरेंस है, डिफेक्ट्स जो है हार्डली हम फाउंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मेथड यूज़ करके हम हार्डली कोई डिफेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। और एनडीटी का मेथड यूज़ करके जो है हम इजीली मटेरियल के अंदर के इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफेक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर सरफेस डिफेक्ट फाइंड करना है तो हम लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट एंड मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और अगर इंटरनल डिफेक्ट्स फाइंड करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और रेडियोग्राफी टेस्टिंग। और भी बहुत सारे मेथड है जिसको यूज़ करके मटेरियल के अंदर के इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, एक मटेरियल से वेरियस प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को जो है मल्टीपल टाइम्स जो है समटाइम्स परफॉर्म करना पड़ता है, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है फाइंड करने के लिए कोई डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए सम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एनडीटी की बात करेंगे तो एक सिंगल एनडीटी मेथड जो है सफिशिएंट होता है एक मटेरियल को
टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट डिफरेंस है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को जो है मटेरियल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है बिफोर प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन से पहले ही जो है मटेरियल को टेस्ट किया जाता है और इस मटेरियल को जो है उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही उसको यूज़ किया जाता है। और NDT का जो मेथड है उसको वेरियस स्टेजेस पे परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन, आफ्टर प्रोडक्शन और उस प्रोडक्ट के सर्विस में भी जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए एक टेस्ट स्पेसिमेन को जो है अकॉर्डिंगली उसके टेस्ट के प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं टेस्ट स्पेसिमेन का। ये एक एग्जांपल है टेस्ट स्पेसिमेन का जो कि हम यूज़ करते हैं टेंजाइल टेस्टिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे रेड्यूस सेक्शन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिप सेक्शन भी आप देख सकते हैं। सो इस तरीके से जो है टेस्ट स्पेसिमेन को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेस्टिंग। और जिस टाइप का डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड हम यूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंगली जो है टेस्ट स्पेसिमेन को प्रिपेयर किया जाता है। और NDT को परफॉर्म करने के लिए हम इस तरीके से टेस्ट स्पेसिमेन को प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही जो है NDT को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। इसमें जो है एक प्रोब का यूज़ करते हैं, ये एक प्रोब है। प्रोब से जो है एक साउंड एनर्जी को जनरेट करके एक मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट किया जाता है और वो साउंड एनर्जी जो है मटेरियल के थिकनेस के अकॉर्डिंगली जो है पेनिट्रेट करेगी और इसके बॉटम साइड से जो है रिफ्लेक्ट करके जो है फिर से प्रोब कैच करके एक स्क्रीन में जो है रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे आप एक स्क्रीन देख सकते हैं, ये है डिफेक्ट फ्री स्क्रीन। अगर हम प्रोब को ऐसे ही आगे स्कैन करेंगे तो एक इंटरनल डिफेक्ट दिख रहा है, यानी कि एक क्रैक है, वहीं से जो है साउंड एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टेड साउंड एनर्जी को जो है प्रोब कैच करेगा और स्क्रीन पे जो है शो करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक डिफेक्ट का इको है। नेक्स्ट डिफरेंस है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए जो टेस्ट स्पेसिमेन हम यूज़ करते हैं उसको दोबारा हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता है, तो जो टेस्ट स्पेसिमेन हम यूज़ करते हैं उसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। सो ये थे सम डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि ये दोनों ही मेथड जो है एक मटेरियल के बिहेवियर और उसके प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोनों ही एक टेस्टिंग मेथड है और डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है यूजुअली जो है मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन से पहले किया जाता है एक मटेरियल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो है एक मटेरियल के फैब्रिकेशन या फिर प्रोडक्शन के बाद जो है यूजुअली यूज़ किया जाता है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।